hi everyone welcome welcome back to my channel i hope you all are doing absolutely great so today we will see who is admiring you as you can see there are two pies the first one is this silver ring second one is this golden one so please select one of them after meditation thank you so much हाई वेलकम बैक फाइल नंबर वन जिन्होंने भी ये सिल्वर या वाइट कलर का रिंग चूज किया है ये पर्सन न जो भी है इनको सिल्वर और वाइट कलर बहुत पसंद होगा ये पहनते होंगे ऐसे कलर्स इनको बहुत इंटरेस्ट होगा इन कलर्स में नेक्स्ट आ गया है आपका ये एक ऐसा इंसान है जो आप हो सकते हो टैरो रीडर या फिर आप कोई हीलिंग का काम करते हो रेकी करते हो या फिर किसी टाइप का का हीलिंग प्रोवाइड करते हो इस पर्सन को ओके okay? अपनी बातों से कोई क्लेंजिंग का काम करते हो या फिर प्रोटेक्शन का काम करते हो जो भी है ये जो भी इंसान आपको एडमायर कर रहे हैं उनको आपसे पीस मिलता है कहीं ना कहीं ओके इसीलिए वाइट कलर है ना तो वो पीस की बात करता है तो डेफिनेटली इस इंसान को आपसे बहुत खूब पीस मिलता है यू आर दिस पर्सन शांति ओके यहाँ पे चलते हैं आपके कार्ड्स की तरफ तो आपका फर्स्ट कार्ड टैरो से चले तो था, आ, आ गया है थ्री ऑफ वॉन्स हर्मिट जजमेंट फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ कप्स ओके लेट मी ट्यून इन टू एनर्जी ऑफ दिस कार्ड्स आपके कितने एडमायर है यहाँ पे तो यहाँ पे यू हैव ओनली वन एडमायर ओके एक ही इंस एक ही पर्सन है ये जो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं ओके विथ कार्ड दिस इज संबड़ी जिनका हाइट बहुत ज़्यादा हो सकता है दिस इज नॉट अ शॉर्ट पर्सन इन जैसे हर्मिट में भी उस पर्सन का हाइट बहुत ज़्यादा है ये पर्सन का हाइट बहुत ज़्यादा होगा एंड इनको गुस्सा तेज आता होगा ऐसा पॉसिबिलिटी है जो भी आपको एडमायर कर रहे हैं दिस इज समबड़ी जो जिनकी लाइफ में कुछ भी शॉर्ट लिफ्ट बैड इवेंट हुआ था तो आपने इनको सपोर्ट किया था ऐसा कोई पर्सन हो सकता है हाइट की बात मैंने ऑलरेडी बता दी बट ये इंसान को आपने कोई ना कोई एक इनके लाइफ में टॉवर आया होगा ब्रेकअप आया होगा या फिर डिवोर्स आया होगा या फिर कुछ भी आया होगा आपने इनको हेल्प किया है वहां से निकलने में कहीं ना कहीं आप एक हेल्पफुल इंसान हो सकते हो बहुत ज्यादा ओके दैट्स वाई दे एडमायर यू अब आ गया है आपका थ्री ऑफ फोन तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये ये आपसे दूरी में रहते हैं पास में नहीं रहते ओके okay? दूरियों में डिफरेंट स्टेट में तीन स्टेट इस पर उस पर हो सकता है एनसीआर हो सकता है ऐसे रहते हो बट दूर में रहते हैं ओके दिस पर्सन फार अवे शिप है यहाँ okay? पे कुछ लोगों के लिए शिप में काम करते होंगे कुछ लोगों के लिए ये पर्सन सी में ऑयल रिक्स में काम करते होंगे शिप का काम होता है ना ये सारा इसमें काम करते होंगे नेवी में हो सकते हैं नेवल ऑफिसर हो सकते हैं ऐसा पॉसिबिलिटी है ओके एंड दिस इज अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन जो भी पर्सन है ये ओवरसीज में वर्क करते हो जॉब करते हो पढ़ते हो ऐसा पॉसिबिलिटी आपका लॉन्ग डिस्टेंस में कोई कनेक्शन रहा हो या फिर ट्रैवल के दौरान इस इंसान से आप कहीं ना कहीं मिले हो जब आप दोनों ट्रैवल कर रहे हो तो अचानक से शॉकिंगली आप इनसे मिल गए हो चाहे वो फ्लाइट में हो चाहे वो किसी कंट्री में हो ऐसा पॉसिबिलिटी है दिस पर्सन इज एडमायरिंग बिकॉज ऑफ योर अवेकनिंग आप एक अवेकेंड इंसान हो सकते हो जागे हुए यू you नो know, जागरूक इंसान हो सकते हो ऐसा पॉसिबिलिटी है यू कुड बी अलर यू कुड बी समबड़ी अ अंट क्ले ऑडियंट या फिर एक रीडर हो सकते हो आप ऐसा कुछ भी नहीं है स्टिल यू आर ए वो नो योर वर्थ यू नो योर वैल्यू यू नो योर यू नो इम्पोट आप इम्पॉर्टेंट है आप आप अवेयर हैं बेसिकली ओके स्पिरिचुअलिटी का मतलब अवेयरनेस है ना तो आप अवेयर हो वो है इस पर्सन को बहुत भाग गई कहीं ना कहीं आपके अंदर एक लाइट है इनर लाइट बोलते हैं ना हर्मिट के पास हमेशा एक इनर लाइट होती है इनर विजडम होता है इनके पास इन लोग इस पर्सन को इन लोग तो नहीं मैं बोलूंगी इस पर्सन को अपना स्पिरिचुअलिटी ढूंढने में अपनी अवेकनिंग और अवेयरनेस ढूंढने में इनको जागरूक करने में आपका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है ओके okay? ये पर्सन से आपने बहुत सारी चीजें डिस्कस की होंगी चाहे वो इनका डार्क डार्क साइड हो चाहे इनका पॉजिटिव लाइट साइड हो अः यू नो इनको मेंटल क्लैरिटी आपने दिया है कहीं ना कहीं वो चीज इनको भाग गई एंड दे आर अट्रैक्टेड टू योर लाइट ओके तो आपका वाइट और हो सकता है अगर आप अपना और रीडिंग कराएंगे तो कहीं ना कहीं आपके बैक में व्हाइट लाइट हो सकता है जैसे भगवान जी के होता है ना दैट्स वॉट यू आर वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड ऐसा पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए ओके ब्लेस्ड बाई कोई ऐसा uh, ऐसे कोई भगवान जी हो सकते हैं जो एक यू नो शिव भगवान हो सकते हैं विष्णु भगवान हो सकते हैं जिनको भी आप मानते हो उनकी कृपा आप पे है कही कहीं ना कहीं यहाँ पे यही दिख रहा है और तो इनको वो चीजें बहुत अच्छी लगती okay? है आपकी रिलीजियस चीजें ओके जजमेंट आ आगे यहाँ पे तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को आपने इस पर्सन को एक वक्त में आपने ट्रांसफॉर्म किया हो सकता है पूरी तरह कंप्लीटली इनका जीवन को चेंज किया है जजमेंट आ गया ना यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपको इनके जीवन में भेजा गया था सो so दैट आप चेंजेस ला सके इनके जीवन में तो दैट्स वाई दिस पर्सन इज गॉन थ्रू अज ट्रांसफॉर्मेशन अब ये वो नहीं है जो पहले थे ओके? Okay? जो आपको फर्स्ट टाइम मिले थे या सेकेंड टाइम मिले थे एंड आपका एक सेपरेशन आया होगा टावर एट ऑफ कप्स और ऑफ सॉर्ट्स के साथ बिकॉज ऑफ सम फ्यूड लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ भी हो सकता है सो so, ये पर्सन के जीवन में जो भी फेलियर आए ओके okay? इनके लाइफ में बहुत टवर मोमेंट्स आए हैं हमेशा सो so, जितने भी फेलियर्स आए जितने भी टवर्स आए उसको आपने सक्सेस में बदला है ओके यू हैव चेंज दिस पर्सन लाइफ ऑल टुगेदर विद दिस इन द ग्राउंड ओके यहाँ पे पीछे दो लोग बैठे हुए हैं जो इनके अगेंस्ट में थे उन सब से इनको हटा के एक पॉजिटिव लाइट में आप लेके आए हो विद द फाइव ऑफ शॉट्स यहाँ पे वही दिख रहा है मुझे आप इनके सक्सेस का रीजन है इस हर्मिट इस ये कोई विरगो हो सकता है मोस्ट प्रोबली वर्गो यहाँ पे बहुत हैवी है यहां पे बहुत हैवी है ओके okay? स्कॉर्पियो पे हेवी है दो मेजर अरकाना आपके पास है या लिबरा जमना एक्वेरियस या दीस आर द सन साइज विच आर प्रोमिनेंट हो गई है ओके नाउ कम्स एट ऑफ कप्स तो एट ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन को ना आपने डिल्यूशन में रखा होगा एक टाइम पे ये अपने डिल्यूशन में रहते होंगे ओके okay? तो इन, इनको आपने लेट को कर दिया होगा एक्सेप्टेशन आया होगा आप दोनों का नाउ दिस पर्सन इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू टू कम टर्ड्स यू क्योंकि ये आपको अभी भी एडमायर कर रहे हैं आप इनके जीवन में बहुत सारा आते हैं। चांद है ना तो चांद की तरह बहुत हो सकता। नहीं चांद नहीं हो सकता है okay? well <laughs> यहाँ पे वही दिख रहा है चलते हैं आपके और अकल की तरफ तो इस पर्सन को आप में क्या अच्छा लगता है जॉयफुलनेस यू आर ए वेरी जॉयस एंड चेयरफुल पर्सन इस इंसान के जिंदगी में आप टवर की तरह अचानक

इम्प्रिसनमेंट हो सकता है इनके पास्ट में किसी ने इनको इम्प्रिसनमेंट करने की कोशिश करी हो जेलिंग एंड ऑल दैट दैटी लीगल मैटर्स में फंसाया हो वहां से निकालने में आपने इनकी बहुत खूब मदद करी हो सकती है आप कोई लॉयर हो सकते हो इनके ओके okay? ऐसा पॉसिबिलिटी है बहुत सारे लोगों के लिए कि कोई जगह में फंसे हुए थे टॉक्सिक डायनेमिक में फंसे हुए थे वहां से इनको निकालने में आपको बहुत मदद की है आपने इनकी बहुत मदद की है तो कहीं ना कहीं दे फील वेरी ब्लेस्ड विथ यू दैट्स फॉट यहाँ पे दिख रहा है यू आर दिस पर्सन ब्लिस इनका है

लोनली फील हो रहा है ओके okay? इसीलिए ये आपकी तरफ वापस आप आना चाहते हैं इनको लगता है कि आप दोनों इनसेपरेबल हो ये जो भी एडमायर है वो आपसे सेपरेट नहीं हो सकते कोई भी डिस्टेंस हो कुछ भी रीजन हो ये आपसे दूर नहीं रह सकते उनको अच्छा नहीं लगता इनके ट्रेड्स की बात करें तो कैसे पहचानोगे आप इनको ये कौन आपका एडमायर है बर्ड लवर हो सकते हैं इनको बर्ड्स पालने का बहुत शौक हो आपने देखा हो इनके घर में होंगे बहुत सारे बर्ड्स होंगे एनिमल लवर हो सकते हैं एक्सट्रोवर्ट ये पर्सन बहुत सारी बातें बातें करते हैं इनको बहुत बहुत लोगों से दोस्ती हो सकती है बहुत ज्यादा क्लाइंट बेस्ट हो सकता है बहुत लोगों को जानते हैं ये आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो जो भी ये रीडिंग देख रहा है दिस पर्सन इज अ वेरी वेल्दी कैच कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे एक घर में रहते हूँ बहुत वेल्दी फैमिली से आते हूँ इनके पास एप्पल का लैपटॉप हो कुछ लोग दे आर लाइक वेरी 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 वेल्दी ओके एक बहुत अच्छे अपार्टमेंट में रहते हो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है इनका खुद का ओन घर हो सकता है जिसको ये बनवा रहे हो कुछ लोगों के लिए मैसेजेस की तरफ से ले तो यू आर माई सोलमेट वो बोलना चाहते हैं कि आप उनके, so आप उनके आई एम सो सॉरी इनके सोलमेट हैं एंड इनको लगता है की आपके सारे लॉ ये जो भी होप्स हैं वो लॉस कर रहे हैं क्योंकि शायद आपका सेपरेशन आ गया टावर आ गया एक इंसान वॉक अवे हो गया या फिर नंबर चेंज कर लिया या बात नहीं हो पा रही है कहीं ना कहीं शुड आई से और शुड आई ये ना डायल में रहते हैं क्या वो आपको बता दे या फिर छुपा ले ओके okay, जो भी इनके दिल में है इन्होंने रियलाइज नहीं किया था पहले कि ये लव बहुत डीप है कहीं ना कहीं बहुत डीपली ये लव करते हैं इनको गिल्टी फील होता है जैसे भी इन्होंने आपके साथ बिहेव किया है उसके लिए वो सॉरी है आपका एडवाइस कार्ड की तरफ चले तो मेक द एफर्ट आने वाले वक्त में ये पर्सन आपको बहुत क्यूट देखते हैं ओके okay? आप दोनों ऐसे हो सकते हो बहुत क्यूट गोल्ड चेहरा हो सकता है दोनों का लाइक अ बेबी ओके सो दिस पर्सन लगता है कि दिस इज अ ग्रेट लव उनको एफर्ट डालना चाहिए तो वो स्टेप्स लेंगे आने वाले वक्त में बहुत जल्दी इनका मैसेज या कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ओके सो दिस इज अ वेरी नाइस रीडिंग आई लव रीडिंग इट इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक सब्सक्राइब चलते हैं पाइल नंबर टू की तरफ हाई वेलकम बैक पाइल नंबर टू जिन्होंने भी ये गोल्डन आ, रिंग चूज किया है इस पर्सन को गोल्डन कलर बहुत पसंद होगा इनके गले में एक चेन हो सकता है इनके हाथों में कोई एक रिंग हो सकता है गोल्ड का एंड दो रिंग हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए अः दिस पर्सन को यू you नो know, सोना जैसे होता है ना गोल्ड खरीदने का बहुत शौक होगा ऐसा पॉसिबिलिटी है इनको कलेक्शन हो सकते हैं इनके पास येलो कलर इनका फेवरेट हो सकता है आपने इनको येलो कलर में देखा हो या गोल्डन कलर की चीजें पहनने ग्लिटरी चीजें पहनने का शौक हो सकता है दिस पर्सन हैज एंगजाइटी अटैक ये ये ना रिंग नहीं है एक्चुअली दिस इज़ फॉर anxiety अटैक जब भी किसी को एंगजाइटी अटैक आता है तो इससे ऐसे ऐसे करने से वो एंगजाइटी चला जाता है कहीं ना कहीं क्योंकि पैनिक अटैक्स आते होंगे तो ये इनके पास हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए एंड दिस पर्सन इज़ अ गोल्डन हार्टेड पर्सन बहुत ही खूबसूरत इंसान आप जब इनसे मिलोगे ना आपको वो दिखेगा उनके काइंडनेस उनका कंपैशन उनका नेचर उनकी ब्यूटी उनकी सारी चीजों में दिस पर्सन इज ऑफ गोल्ड जो भी आप पे एडमायर हैं आपके चलते हैं आपके ठहरों की तरफ तो आपका पहला कार्ड है वील ऑफ फॉर्चून सेकेंड कार्ड इज टेन ऑफ स्वॉर्ड्स थर्ड कार्ड इज एट ऑफ पेंटकल नेक्स्ट इज नाइट ऑफ कप्स एस ऑफ कप्स एंड कम्स किंग ऑफ सोर्ट्स सो लेट मी ट्यून इन टू दी ऑफ दी लाइक टॉरस फिर को यहाँ पे हैवी है कैंसर स्कॉर्पियो हैवी है लिब्रा भी हैवी है लियो एक्वे स्कॉर्पियो टॉरस इनका सनसाइन हो सकता है स्पेसिफिक सनसाइन्स हो सकते हैं ये सारे सनसाइन्स ही जो स्पेसिफिक चार सनसाइन्स बताए हैं वो अवेकेंट सनसाइन है इस पर्सन का नाम ए से हो सकता है कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है एंड uh, इस इंसान के नेम का मीनिंग स्पिरिचुअल अलाइनमेंट

ज देर इज़ नो स्टॉपेज आप ये आपके साथ साइकिल्स बनाते होंगे ज़बरदस्ती क्योंकि ये आपको बहुत पसंद करते हैं अब कितने एडमायरर्स हैं यहाँ पे आपके दो हैं यू हैव टू एडमायरर्स टू पीपल आर हु आर रियली रियली इंटरेस्टेड इन यू वन इज स्पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो वन इज लीब्रा जमना एक्वेरस और अ टॉरस फिर को कैप्रिकॉन सो आपके साथ ये साइकिल बनाते रहते हैं क्योंकि आप को बहुत पसंद करते हैं ये बहुत लाइक करते हैं कही कहीं ना कहीं बिकॉज यू माइट बी वेरी अबांडेंट यू माइट बी वेरी लकी ऐसा हो सकता है आप बहुत लकी हो जो भी ये रीडिंग देख रहा है इस वजह से या फिर ये जो इंसान है ये बहुत लकी है या आप इनके लिए लकी है ये पर्सन बहुत वेल्दी इंसान हो सकते हैं दोनों ही बोथ ऑफ देम अच्छे फैमिली से आते हूँ बहुत वेल्दी है एंड इनके पास किसी भी टाइप का एक पावर है जिसको ये यूज कर सकते हैं कभी भी ओके okay? वो पावर किसी भी चीज से हो सकता है कि इनके वर्क प्लेस से इनको एक पावर मिला हुआ है गेट ऑफ पेंटेगल है ना तो वो पावर इनको वहां से मिला हुआ है उस पावर का ये उसको सही तरीके से यूज कर सकते हैं जिससे कि किसी का बेनिफिट हो सके ओके okay? यहाँ पे आ गया है ऑफ सॉर्ट्स तो डेफिनेटली ये दोनों लोगों के साथ आपका एंडिंग आ चुका है ओके बिकॉज ऑफ कोई लाइफ सिचुएशन इनके जीवन में आया होगा कोई भी रीजन हो सकता है देखिए एंडिंग का मतलब बहुत कुछ हो सकता है दिस कुड भी फैमिली एंडिंग या फिर इनके लाइफ में बहुत सारे टावर्स आ गए या फिर इनको किसी ने बैक कर दिया या फिर इनको हमेशा लोगों ने दस साल से बैक ही किया है इसी वजह से ये पर्सन बहुत हार्ड ब्रोकन है और आपने इस पर्सन को अपने काम पे ध्यान देना सिखाया है आपने इनको अपने आप को अपने काम में कैसे पावरफुल होना है या फिर अपने काम में कैसे व्यस्त होना है और इस एंडिंग से ये जो दस साल पहले इनके साथ जो भी कुछ हुआ है वहां से निकलना सिखाया है सो समथिंग लाइक दैट सो दिस इज समबडी फ्रॉम योर वर्क प्लेस कुछ लोगों के लिए आपके काम के क्षेत्र से हो सकते हैं जहाँ पे आप काम करते हैं ऑफिस जाते हैं ऐसा पॉसिबिलिटी है विथ एड ऑफ पेंटेकल दिस इज अ वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है आप इनको वर्क प्लेस में मिले हो ऐसा पॉसिबिलिटी है वर्क फ्रॉम होम करते हो तो आपके आसपास काम करते हो ये ऐसा हो सकता है या फिर ये जो पर्सन है ये क्वालिटी इंसान है ओके okay? जो भी आपको क्रशिंग ऑन या फिर आपको एडमायर करते हैं वो आपके काम को बहुत पसंद करते हैं जो भी काम आप करते हैं कोई भी चीज में आप काम कर रहे हैं बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है ना ये लड़की बाकी पेंटिकल पे वो काम कर चुकी है तो एक पे काम कर रही है तो इन लोगों को आपका क्वालिटी बहुत पसंद है क्वांटिटी नहीं आउटर ब्यूटी नहीं इनर ब्यूटी बहुत पसंद है इन दोनों को ही ओके दिस इज सबड़ी हाईली रेकग्नाइज बहुत अच्छे फेमस हो सकते हैं बहुत लोगों को जानते हो ऐसा पॉसिबिलिटी है इनके बहुत हाई स्टैंडर्ड हो सकते हैं या फिर ये बहुत अकम्प्लिश्ड इंसान है कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ अकम्पलिशमेंट अपने जीवन में किया हो सकता है एट्टी इन्होंने अपने ऊपर वर्क किया हो सकता है या फिर कुछ चीजें मटीरियलिस्टिकली एक्वायर किया हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी इनके पास एक बहुत खूबसूरत सा घर हो ओके okay? ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे विद नाइट ऑफ कब्स पे यही दिख रहा है कि ये जो भी दे वॉन्टेड प्रपोज यू एक लव ऑफर आपको दे सकते हैं एंड ये बहुत ही चार्मिंग लड़का है लड़की है बहुत रोमांटिक ब्यूटिफुल हैंडसम जैसे मर्जी समझ लीजिए बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं आई एम सो सॉरी किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ओके दे लव यू टिल इन्फिनिटी इस कब से पॉर हो रहा है ना वॉटर और यहाँ पे पूरा भर गया और यहाँ पे कमल के फूल हैं कमल के फूल हमेशा अवेकनिंग की बात करते हैं हमेशा जागरूकता की बात करते हैं तो इस पर्सन को आपका अवेकनिंग आपका जागरूक होना बहुत पसंद है इनको आपका लविंग होना बहुत पसंद है आप बहुत प्यारी प्यारी बातें करते होंगे ओवर लव करते होंगे इस इंसान को वो चीज पे ये फिदा है ये दोनों ही इनको लगता है कि आप इनके काउंटर पार्ट है ऐसा भी पॉसिबिलिटी सोल में टू इनफ्लेम जैसा मर्जी ले लीजिए ऐसा दिख रहा है यहाँ पे इनके माइंड में इन दोनों के माइंड में या ये एक ही इंसान को एम्बॉडी कर रहा होगा ये पर्सन के माइंड में आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स है इनको लगता है कि आप आपके साथ इंटीमेट होने का मन करता है इनको इनको कंपैशन आता है आप पे आप पे पिटी नहीं फील करते दे फील वेरी लविंग आपके साथ बैठ के उनका वाइब्रेशन हायर हो जाता है लोअर वाइब्रेशन में वो कभी नहीं जाते दैट्स व्हाट ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट दैट एंड इनको आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए अब आ गया किंग ऑफ शॉर्ट यहाँ पे एक इंसान आपसे छोटे हो सकते हैं थर्टीज में और एक इंसान आपके सेम एज के हो सकते हैं ऐसा पॉसिबिलिटी है विद द किंग ऑफ शॉर्ट ये कोई अथॉरिटी में काम करते हुए एनफोर्समेंट ऑफिसर हो सकते हैं पुलिस में हो सकते हैं ये सिस्टम में काम करते हो लॉयर हो सकते हैं जज हो सकते हैं जज के बेटे हो सकते हैं ऐसा पॉसिबिलिटी है ये पर्सन कोई डॉक्टर हो सकते हैं फिजिशियन हो सकते हैं यू नो किसी टाइप का मेडिकल uh, हेल्थ में काम करते हैं मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये एक टीचर हो सकते हैं प्रोफेसर हो सकते हैं स्पीकर हो सकते हैं ओके okay? एक कॉमेडियन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो हंसाते हो लोगों को ऐसा भी पॉसिबिलिटी है जो भी है इस इंसान के पास एक अथॉरिटी है जिसका ये यूज कर सकते हैं अपने ऑफिस में जिससे कि इनका या और लोगों का भला हो सके समथिंग लाइक दैट ये पर्सन जो भी है ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है वेरी वेरी लॉजिकल बातें करते हैं ऑनेस्ट है झूठ नहीं बोलते ट्रूथफुल है कहीं ना कहीं एंड आगे बढ़ने की बातें करते हैं ओके फॉरवर्ड मूवमेंट लेने की बातें करते हैं इनके अपने खुद के मॉरल्स और रूल्स हो सकते हैं सो so, थोड़े कटाश हो सकते हैं अपनी बातों से जिससे कि लोगों को थोड़ा सा बुरा लग जाता होगा बट वो रियलिटी बता रहे हैं दे विल नेवर कम्फर्ट यू विद झूठ ओके दे विल कम्फर्ट यू विथ श्रोतोली जो शायद आपको पसंद नहीं है टेन ऑफ शॉर्ट्स समथिंग लाइक दैट ओके ये तो ये दोनों लोग आप पे फिदा हैं एक्चुअली दे जस्ट लव यू ओके यहाँ आप पे बहुत आपको लाइकिंग करते हैं बहुत पसंद करते हैं आपसे प्यार करते हैं एक्चुअली क्योंकि एस ऑफ कप्स बीचों बीच है ना रीडिंग के या दैट्स फाइव के आप कभी कभी इस इंसान को ट्रिगर करते हो या आपको करते होंगे इंटिमिडेट करते हो आपकी बातें इनको बुरा जाता है हल्का सा इंटिमिडेशन होता है वो एक्चुअली जो भी इंटिमिडेशन आप दोनों एक दूसरे की प्रति कर रहे हैं वो आप दोनों की भलाई के लिए है आई एम सो सॉरी ओके आप दोनों की भलाई के लिए यहाँ पे दिख रहा है आप चलते हैं आपके कार्ड्स की तरफ तो इनको आप में क्या अच्छा लगता है आप इनके स्वीट हार्ट है कहीं ना कहीं <laughs> ओके दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है यू आर दिस पर्सन स्पी स्वीट हार्ट दे फील दैट यू आर अ स्पाउस मटीरियल मैरिज मटीरियल समथिंग लाइक दैट आप बहुत स्वीट स्वीट बातें करते हैं आपके अंदर एक अलग सा वाइब है दे फील वेरी कंफर्टेबल एंड हैप्पी विद यू दे फील दैट यू आर बहुत मासूम है ओके okay? स्वीट हार्ट का मतलब हम किसको बुलाते हैं जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे सबसे ज्यादा लव करते हैं यहाँ पे वही दिख रहा है मुझे okay? इनका मैसेज आपको बहुत जल्दी आपकी तरफ आ सकता है ये पर्सन आपको मैसेज भेज सकते हैं अपनी दिल की बातें बता सकते हैं कि ये ये चीजें हैं विल यू एक्सेप्ट इट इनका सनसाइन कैंसर हो सकता है वेरी वेरी काइंडर इंसान ओके okay? वेरी वेरी हम्बल वो कितने भी टॉप पोजिशन में बैठे एन एक्टर फॉर मोस्ट ऑफ यू ऐसा पॉसिबिलिटी है वो कितने भी हाइएस्ट पोजिशन में हो इनके अंदर एक हम्बलनेस आपको दिखेगा दे आर वेरी काइंड एंड कंपेशनेट पर्सन रोमांटिक फीलिंग्स है इनके अंदर दे जस्ट वॉन्ट टू किस यू दे टेक यू समवे जहाँ पे बीच एरिया हो वहाँ पे आपके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं उनको आप लॉन्ग गाउंट्स पहनते हो तो आपको बहुत पसंद करते हैं फिदा हो जाता है यहाँ पे ओके okay? आपको शायद वाइट कलर बहुत पसंद होगा जैसे हो सकता है आपको वाइट पसंद हो ओवरवेलम ये बहुत स्ट्रेस्ड आउट है अभी ये आपके बारे में सोचते रहते हैं पूरा दिन एंड उनको ना वो बातें ड्रेन करती है जो भी आपके दोनों के बीच में है मीन इन दिस पर्सन इज लाइक स्ट्रेस उठा रहे हैं आपके लिए दोनों ही सीक्रेट लवर सो हो सकता है कि आपके साथ एक सीक्रेट लव अफेयर चलाना चाहते हैं फॉर सम ऑफ यू फॉर सम ऑफ यू वन पर्सन इज अ डिवॉर्स और गोइंग थ्रू अ डिवॉर्स लिब्रा जमुना एक्वेरस है तो स्पेशली ओके बाईस कैंसर स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो तो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा वो तो एक एज में आपसे छोटे हो सकते हैं बट जो दूसरे इंसान है वो ही इज गोइंग थ्रू दैट तो ही वॉन्ट सीक्रेट लव अफेयर विथ यू और इन फ्यूचर दिस विल हैपन पे ये पर्सन को आप कैसे पहचानोगे यहाँ पे आगे सपोर्ट है ये आपका ह्यूज सपोर्टर है आप अगर ऑनलाइन में कुछ करते तो वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं देखिए बैक साइड में एक छोटा सा बच्चा आ गया है ओके okay? सो so, हो सकता है कि हो सकता है दिस पर्सन हैज अ किड वन चाइल्ड ओनली ठीक है ऐसा पॉसिबिलिटी है पास मैरिज से इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है ऐसा होता है कई बार यू you नो know, कार्मिक चिल्ड्रन कमिंग टू पिक्चर और आपको पसंद नहीं तो आप दूसरा ऑफर जो आपसे छोटे हैं वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो वन किड इज हियर समवेयर और अदर ये आपको बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज में आपका आपके वेलविशर है ये पर्सन Okay, ऐसा मत समझिए कि वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं तो बुरे हैं वो आपके वेल विशर हैं दिस पर्सन इज योर वेल विशर हंड्रेड परसेंट वर्क फ्रॉम होम so, सो हो सकता है कि ये पर्सन वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनको येलो कलर के टी शर्ट्स बहुत पसंद हो लैपटॉप है यहाँ पे हो सकते हैं इनके पास एप्पल का लैपटॉप हो कोई भी तरीके का लैपटॉप हो एनी विच वेज दिस पर्सन इज लाइक एक इंसान वर्क फ्रॉम होम करता है ऐसा पॉसिबिलिटी है एक इंसान ऑफिस जाता होगा नेचर लवर यहाँ पे नेचर लवर आ गया है तो इनको नेचर के साथ रहना पसंद है ट्री हक करना पसंद है इनको घूमने फिरने का बहुत शौक होगा इन्होंने काफी कंट्रीज स्टेट्स को इन्होंने कवर कर लिया होगा घूम घूम के नेचर लवर हो सकते नेचर लवर हो सकते नेचर के साथ बहुत एक अलग सा कनेक्शन है इस पर्सन का नेक्स्ट आगे है आपके मैसेजेस की तरफ ये इंसान आपके लिए रोते हैं दिस पर्सन क्राई फॉर यू कहीं ना कहीं दिस कनेक्शन गिव मी हार्ट प्लेजर तो आपके साथ रह के आपसे बातें करके या फिर आपके बारे में सोच के भी इन एडमायर को हार्ट प्लेजर मिलता है दे फील वेरी हैप्पी वेरी खुश खुश ओके एंड बट बिकॉज ऑफ द सेपरेशन वो प्लेजर इनको अभी नहीं मिल रहा है यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटिफुल आपके साथ रह के इनका जो लाइफ है वो ऑल टूगेदर इनका वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो जाता है एंड इन इनको आपके साथ रहना बहुत पसंद है यू नो या बात करना बहुत पसंद है या फिर एक कॉन्वर्जेशन बहुत पसंद है नो आपके जैसे कोई नहीं है यू आर डिफरेंट ओके देर इज नो कम्पेरिजन बिटवीन यू एंड अदर पीपल यू आर वेरी वेरी स्पेशल फॉर बोथ ऑफ दिस पीपल आई क्राई इन साइड ऑफ मी ये दोनों ही लोग आपके लिए बहुत रोते हैं क्योंकि उनको आपसे बहुत लव है डीपेस्ट लव है ओके आपका एडवाइस की तरफ चले तो ये दोनों ही आपके सोलमेट्स हैं हो सकता है एक आपका ट्विन फ्लेम हो या फिर एक ट्विन फ्लेम कार्मिक ट्विन फ्लेम हो या कार्मिक सोलमेट हो तो ये आपको एफर्म कर रहे हैं ये प्रेयर्स कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए आपको विजुअलाइजेशन करते होंगे कि आपके साथ मैरिज हो गया या फिर उनको लगता है कि वो जो फर्स्ट कार्ड आया था ना व्हील ऑफ फॉर्चून साइकिल्स क्रिएट करने से आपके साथ शादी हो जाएगी क्योंकि जब हम कंटिन्यू एक ही साइकिल में रहते हैं ना किसी के साथ कंटिन्यू चलाते रहते हैं तो आपका कार्मिक साइकिल बंद के उनसे आपकी मैरिज हो जाती है तो वो सब विजुअलाइजेशन करके आपको टुगेदर एक दूसरे के साथ लाना चाहते हैं दोनों ही बोथ ऑफ देम दे लव यू ओके दे लाइक यू अलॉट सो इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग पाइल नंबर टू आई होप आपसे आपसेट हुआ होगा इफ इफरेजिनेटेड प्लीज लाइक शेड सब्सक्राइब इफ यू रिक्वायर अ पर्सनल रीड डेफिनेटली यू कैन गो एंड गो फॉर द सेम थैंक यू सो मच आई लव यू ऑल यूर सूस इन द नेक्स्ट वीडियो चाओ